नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, आज तो कुछ ख़ास बातचीत करने आई हूँ। ये तो सबको पता ही है कि सृष्टि के मुख्यतया तीन विशाल अंग होते हैं, जल, थल और गगन। धरती का अधिकांश भाग विशाल सागरों ने घेर रखा है और इनमें सदियों से विभिन्न जलीय जीव जंतु बड़े आराम से रहते आ रहे हैं। इनके रहन सहन और तौर तरीके आज कई पीढ़ियों के बाद भी नहीं बदले। इन्हें भोजन और ऑक्सीजन प्रकृति से मिल जाते हैं, बस न और कोई इच्छा न कोई सपना, फलस्वरूप न आपस में कोई ईर्ष्या न द्वेष। दूसरा नंबर है थल अर्थात जमीन। इस धरती पर हम मनुष्य कुछ जंगली और कुछ घरेलू पशुओं और वृक्षों पर नीड़ बनाकर बसेरा करने वाले पक्षियों के साथ रहते हैं। धरती पर रहने वाले पशु और पक्षी भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सीमाओं के अंदर आराम से रहते हैं। इन सभी की बस एकाध जरूरतें होती हैं जो ये किसी तरह स्वयं मेहनत करके पूरी कर लेते हैं और बिना किसी को परेशान किए शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। सृष्टि के तीसरे भाग और सर्वाधिक विस्तृत भाग अंबर का सबसे अधिक फायदा हमारी धरती के पक्षी समूह उठाते हैं। ये घने वृक्षों की डालियों पर पत्तों में छुपकर रहते हैं, भोजन की तलाश में धरती पर इधर उधर कुछ देर घूमते हैं और जब मन आता है मस्ती से पंख पसार कर आसमान में उड़ जाते हैं। झुंड में या आसमान में कलाबाजियां खाकर संध्या का अंधेरा घिरने से पहले अपने नीड़ में वापस आ जाते हैं। इनकी नियमबद्धता देखकर हम दंग रह जाते हैं। धरती पर रहने वाले हम मनुष्य इन सब जीवों से अलग हैं। हमारी चाल ढाल, रहन सहन और सूझबूझ तथा व्यवहार नियमों में बंधे नहीं हैं। हम में से हर मनुष्य अपनी अलग मर्जी से और अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं। इच्छाएं और शौक इतने अधिक हैं कि पल में हम तोला रहते हैं और पल में माशा हो जाते हैं। इसीलिए हम मनुष्य एक ही तरह के होते हुए भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। हमारी विशेषता यह है कि हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते, हमें और चाहिए। अपनी सीमाएं लांघकर दूसरों की सीमाओं में प्रवेश करना हमारा शौक है। धरती के प्राणी होकर भी हमने जल में मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है और आपस में तैराकी की होड़ लगाते हैं, पानी में गोते लगाते हैं। पक्षियों की देखा देखी आकाश में उड़ना भी सीख लिया है और अब तो चांद और मंगल तक भी पहुंच गए हैं। पर हैरानी की बात है कि धरती के प्राणी होकर भी अपनी ही धरती पर हमें आज तक सही तरीके से चलना नहीं आया। इसमें हमारा कसूर भी उतना अधिक नहीं है, हमारा सृजन ही ऐसा है। देवत्व और दानवत्व दोनों के गुणों और अवगुणों के मेल से ही की गई है हमारी रचना। देव और दानव दोनों में से जो जिस मनुष्य पर हावी हो जाता है वो मनुष्य वैसा ही आचरण करता है। विद्यार्थी जीवन में हमें ऋग्वेद पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेसर उपाध्याय सर ने एक बार हमें बताया था कि अवतरण दिवस से ही मनुष्य का यही स्वभाव रहा है। मनुष्य ने स्वयं ही अपने स्वभाव को एक श्लोक द्वारा परिभाषित किया है। यहाँ मैं क्षमा चाहूँगी कि इतने वर्षों बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि यह श्लोक किस वेद में, किस पुराण में या किस उपनिषद में उल्लिखित है। बस वो श्लोक याद है और उसका अर्थ भी, और ये भी याद है कि श्लोक हमारे किसी न किसी पुराने धर्म ग्रंथ में ही निहित है।
तो श्लोक इस प्रकार है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और दूसरी पंक्ति है जानाम्य धर्मम। जानाम्य धर्मम मतलब जानामि अधर्मम, ये संधि हो गई है इसलिए हो गया है जानाम्य धर्मम। तो दूसरी पंक्ति है जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। पहली पंक्ति का अर्थ है कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, पर क्या करूँ, उस ओर मेरा झुकाव ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, पर क्या करूँ, उसी ओर मेरा झुकाव अधिक है, उसी में इंटरेस्ट है। अभिप्राय यह है कि जानते हुए भी हम मनुष्य धर्म से दूर और अधर्म के निकट रहते हैं। धर्म अर्थात सही सोच या सकारात्मकता, और अधर्म अर्थात गलत सोच या नकारात्मकता। हमारी यही जन्मजात प्रवृत्ति हमें सन्मार्ग से भटका देती है और हम विचलित हो जाते हैं। नकारात्मक सोच अनंत इच्छाओं को जन्म देती है और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुमराह होते रहते हैं। न हम खुद चैन से रहते हैं, न किसी को रहने देते हैं। आज परिस्थिति और भी भयानक हो गई है। हम स्वार्थ के वशीभूत होकर लगातार नकारात्मकता अर्थात अधर्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का प्रयास करें, वरना गैर तो गैर हम अपने व्यवहार से अपनों को भी चोट पहुंचाते रहेंगे। हर जगह स्वार्थ, ईर्ष्या, जलन, छल प्रपंच, धोखा और स्पर्धा का बोलबाला रहेगा और पूरी धरती युद्ध क्षेत्र बनकर रह जाएगी। हमारी धरती पर यदा कदा सकारात्मक सोच वाले परम ज्ञानी, महापुरुष, महर्षि और महान विचारक अवतरित होते रहे हैं। ये हमारे आदरणीय पूर्वज हमें मनुष्यता की सही और अनुकरणीय राह दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, पर अपनी कमज़ोर प्रवृत्ति के कारण इनके प्रयासों से लाभान्वित होने वालों की संख्या बहुत कम रही है। नतीजा ये है कि आज नकारात्मक सोच वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। वो ज्ञानी महापुरुष, पहुँचे हुए महर्षि और संत अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके अनमोल शब्द और अनुकरणीय संदेश तो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास हैं। क्यों न हम उनके संदेशों को याद करें और उन पर चलकर अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। उनका पथ प्रदर्शन निश्चय ही हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य देगा। आज हमारे बीच सकारात्मक सोच वाले भी मौजूद हैं, पर उनकी संख्या इतनी कम है कि ये सही होकर भी कमज़ोर पड़ गए हैं। दुख होता है जब मैं किसी सच्चे दिल वाले की आंखों में आंसू देखती हूँ, किसी मुस्कुराते निश्चल चेहरे को उदासी से घिरा हुआ महसूस करती हूँ और किसी बेकसूर को सबके सामने अपनी सफाई देता हुआ पाती हूँ। मुझे लगता है इन थोड़े से सज्जन व्यक्तियों को ऐसी प्रताड़ना से बचाना आवश्यक है। बस एक छोटी सी कोशिश मैं करना चाह रही हूँ, आप साथ दीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। मैं पॉडकास्ट के जरिए समय समय पर उनके बहुमूल्य संदेशों की आपको याद दिलाने की पहल करती हूँ। उससे लाभ उठाना तो पूरी तरह हमारी संकल्प शक्ति पर ही निर्भर करता है, पर सुनना और समझने की कोशिश तो हम आज से ही शुरू कर देते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ
विश्व प्रसिद्ध फिलोसोफर आदरणीय सुकरात का बहुमूल्य संदेश जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। सबसे पहले मैंने सुकरात के इस संदेश को ही चुना क्योंकि ये संदेश मुझे सबसे आवश्यक लगा। नकारात्मक होना एक दोष है, पर नकारात्मकता का प्रचार और प्रसार करना महादोष है। इस महादोष को रोकना सबसे ज़रूरी है ताकि ये महामारी चारों दिशाओं में फैलने से रुक जाए। और सुकरात का ये संदेश निश्चय ही इस सुखचैन हंता महामारी को रोकने में समर्थ होगा। कुछ हद तक ही सही, लेकिन होगा। तो आज बहुत बातचीत हो गई, अगली बार सुनाते हैं सुकरात का बहुमूल्य संदेश। तब तक हम अपने संकल्प को दृढ़ से दृढ़तर करें और इस अनमोल संदेश को तहे दिल से ग्रहण करने का निश्चय करें। नमस्कार।